नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और आज यौन उत्पीड़न जागरूकता विरोधी अभियान चल रहा है जो कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। और आज मदनपुर खादर में यहाँ से जुड़े हुए संस्था से जुड़े हुए सभी लोग आए हुए हैं, तो आइए बात करते हैं संस्था से। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैम, ये जो यौन उत्पीड़न विरोधी सप्ताह चल रहा है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम महिलाएं लड़कियों के लिए जो माहौल असुरक्षित बना हुआ है उसको सुरक्षित बनाने के लिए हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए ये माहौल सुरक्षित होना चाहिए ताकि लड़कियां सुरक्षित बिना डर के बिना झिझक के आ जा सके। जी, तो मैम कितनी महिलाएं आपके साथ अभी जुड़ी हुई है और कितनी अभी प्रेजेंट है और कितनी नहीं आई है? अभी हमारे साथ 50 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। महिलाएं तो हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग समय पर आती हैं। कभी वो अपनी समस्याओं को लेके आती हैं, कभी वो मीटिंग में आती हैं, कभी वो उनके अपनी पंचायतें चलती हैं, उनके चौपालें लगती हैं, उनमें ये महिला सुरक्षा के मुद्दों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। महिलाएँ लड़कियाँ अपने मुद्दों को उठाती हैं, बताती हैं कि हमारे साथ यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हुई हैं, तो हम उनको बताते हैं कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का अपने अधिकार के लिए अपने सम्मान के लिए हम लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और समाज दोनों को मिलकर इस माहौल को बदलना होगा। तो मैम, जैसे जागोरी फाउंडेशन जो है सेफ दिल्ली कैंपेन चलाती रहती है, तो आपको कब लगा कि ऐसा कुछ अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए? ये हमारा जागोरी का 2004 से हमारा काम शुरू हुआ, तब से हमने जो शोध किया उसमें हम लोगों ने खुद से देखा कि हम महिलाएं अगर इस रास्ते पे जा रही हैं तो हमारे इस रास्ते को जाने के कारण कौन सी असुविधा हो सकती है। अगर लाइट नहीं है तो मैं अनसेफ हूँ, वो मुझे महसूस हुआ। तब हमने समझा कि महिला सुरक्षा को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमने आज हम इस दौर तक लाए हैं। हम सेफ्टी ऑडिट करते हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी पहचान को बनाते हैं और उनको जागरूक करते हैं। नमस्ते। और हम सोचते हैं रात में लड़कियां अनसेफ होती है, क्यों लड़के आते हैं? चार लड़के, हम अकेली लड़की जा रही है तो उसके पीछे ओनली चार लड़के आ सकते हैं, तो हम अपने इससे अनसेफ वो इसलिए समझते हैं क्योंकि हम अपने घर में कल को बताएंगे, हमारी मम्मी बोलेगी उस रास्ते से मत आओ, कब तक रास्ता लड़कियाँ बदलेगी? और लड़कियाँ तो रास्ता कभी बदलेंगी नहीं, क्यों बदलें? ना कि हम लड़कों से कम है ना कि लड़कियों से, अपना वही रास्ता जज कर चलेंगे। और जो हम ये मैसेज जो दे रहे हैं ना, हम सोचते हैं ये पूरे कॉलोनी में, ये पूरे शहर में वो, इसलिए हम अपना योगदान इसमें कर रहे हैं। अपनी क्यों, अपने से क्यों, हम एक को जोड़ते हैं चार आते हैं, वो हम इस पे बहुत अच्छा है इसलिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पाती जिसके वजह से वो उसका शिकार बनती है, तो कितना लगता है कि वुमेंस को उस टाइम आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए ताकि ये कम हो? एक तो हम महिला उठा सकते हैं आवाज़, क्योंकि अनसेफ समझती हो अपने आप को तो भाई नहीं उठा सकती, और लड़की अपने उसमें वॉलेंट हो, अच्छा उसे जोश हो, तो हम उसके इंसान समझ सकता है। और रात में हमें कोई लड़का छेड़ता है, रात हो चाहे दिन हो, रात हो चाहे दिन हो, और उसमें हमें कोई लड़का छेड़ता है, उस टाइम अपना अपना उसका योगदान कर सकते हैं। एनजीओ की तरफ से हमारी काफ़ी सारी मीटिंगें हुई हैं, उसमें समझाया जाता है हमें अपना योग कैसे देना है, किस तरह देना है, और क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग ने अभी गर्ल्स मीटिंग करी थी उसमें हमें समझाया गया था अपना, हम जैसे अकेले जा रहे हैं कहीं रास्ते से आ रहे हैं, हमारे चार लड़के कमेंट्स पास करते हैं, तो हम उसे किस तरह जवाब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, क्योंकि उस लड़के को भी समझ आए और हमें भी समझ आए बस। तो मैम, आप कितना अनसेफ फील करती हैं यहाँ पे? तो घर अनसेफ ही हैं, लड़कियाँ जब स्कूल जाती हैं और माँ बाप को डर बना रहता है कि भाई मेरी बेटी सेफ है, और आसपास कोई पीछे मेरी बेटी का कोई पल्लू खींचे या किसी की भी बेटी का खींचे, तो ये लड़कियाँ अनसेफ ही हैं इससे, तो इसी माँ बाप को भी ये डर रहता है कि भाई मेरी बेटी जाए तो अच्छे से सुरक्षित घर आए। तो आप सब जागोरी फाउंडेशन से कब से जुड़े हुए हो? बहुत पहले से, जब से फाउंडेशन खुली है, 3 साल से। तो यहाँ पे कैसे कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम सिखाए जाते हैं आप लोगों को? ये अवेयर बताया जाता है कि जो हमारे साथ होता है सड़कों पर जब हम चलते हैं, और जो हमारी फैमिली वाले बोलते हैं कि हम इसमें हमारी मिस्टेक ऐसा कुछ भी नहीं है, उन सब की गलती जो हमें छेड़ते हैं इस मामले में, हम शॉर्ट्स पहनेंगे इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें पूरी फ्रीडम दी गई इसके लिए। अगर कोई और शॉर्ट्स पहनेंगे, कोई लड़की शॉर्ट्स पहनेंगे उसे कोई कुछ नहीं, अगर हम पहनेंगे तो हम पूरी दुनिया देखेगी उस बुरी नज़र से, तो हम वही बताना चाहते हैं कि हमें पूरी राइट्स है अपना जो हम करना चाहते हैं, अब उसी के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना करा जाए। तो अगर आप कुछ ऐसा देखते हो, ऐसा होता है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कुछ लड़के फॉलो करते हैं लड़कियों को, तो उस टाइम आप आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते? उठाते हैं,
क्योंकि वो भी एक लड़की, उसकी भी कोई इज्जत है, ज़रूरी है वो लड़का बड़े घर का है तो वो उसको कोई पूछेगा नहीं है। हमारे हम लोग जितने भी लड़कियां रहती हैं, सात बजे के बाद ना हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि फैमिली वालों को हमारे लिए डर लगता है कि लड़की अगर रात को जाएगी तो उसके साथ में छेड़खानी होगी या कुछ और होगा। इसलिए अगर कभी भी लड़कियां जाती हैं 7 बजे के बाद तो भाई को भेजते हैं साथ में, या तो पापा को भेजते हैं, कि किसी भी काम के लिए हमें अपने परिवार वालों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए हम ये संदेश लिख के मैसेज और शांति वो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी डर है। तो मैम क्या है ये पूरा यौन उत्पीड़न विरोधी सप्ताह जो कैंपेन चला रहे हो आप, तो इससे मैसेज क्या जाएगा और इसको, इस कैंपेन को कहाँ तक ले जाया जाएगा? ये कैंपेन जो है 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक मनाया जाता है, एक सप्ताह का कैंपेन है। इस कैंपेन का मकसद यही है कि चाहे वो सड़क हो या गली हो या समुदाय, कोई भी इलाका हो चाहे सड़क, हम सब लड़कियां, महिलाएं, हमारे पुरुष साथी, हमारे भाई बंधु, सबके लिए ये रास्ता जो है सुरक्षित होना चाहिए। जो रास्ते हैं सबके वास्ते सुरक्षित होना चाहिए, जो हमारा इस कैंपेन का मतलब है। इसलिए हमारा स्लोगन भी है सुरक्षित रास्ते हम सबके वास्ते। तो हमारा मैसेज यही है कि जो कैंपेन का मकसद यही है कि हम लोग आराम से जो एक साथ मिलकर एक साथ सड़कों को सुरक्षित बनाएं सबके वास्ते। केवल हम लड़कियां और महिलाएं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब जन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मेन मुद्दा हमें लड़कियों को सुना, क्योंकि यंग लड़कियां हैं, क्योंकि इनको आए दिन ये झेलना पड़ता है। इसलिए आज हम लड़कियां और महिलाएं सब साथ खड़े हैं इस कैंपेन के लिए। तो मैम और क्या क्या एक्टिविटी होगी इस प्रोग्राम के अंदर? अभी तो ये 7 दिन का जो कैंपेन है, इसके तहत अलग अलग बस्ती में हम लोग इस कैंपेन कर रहे हैं। आज मदनपुर खाता जलेबी चौक पे हम लोग खड़े हुए हैं, फिर हमने पिछले हमने बदरपुर में इस कैंपेन को किया, आगे हम लोग और सोच रहे हैं कहीं बस्ती में करें। ऐसे कैंपेन हमारे 8 दिन तो चल रहे हैं, ये 2 दिन और बकाया इस कैंपेन खत्म होने के लिए, वरना ये 7 दिन का कैंपेन चल ही रहा है। तो मैम स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसा कैंपेन होगा, क्योंकि स्कूल के बाहर भी लड़कियां अनसेफ फील करती है, क्योंकि लड़के फॉलो करते हैं, छेड़ते रहते हैं, कुछ अब्यूजिंग वर्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ कैंपेन ऐसा चलेगा? ये कैंपेन हम लोग स्कूल के साथ मिलकर बातचीत भी करते हैं, कि और भी ये संस्थाएं भी हैं, इनके साथ मिलकर बातचीत करते हैं, स्कूलों में जाकर यहाँ पे सुरक्षा के बारे में बातचीत चला रहे हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जो ऐप है आपका, ये जागोरी का एक ऐप चलता है सेफ्टी पिन, तो सेफ्टी पिन के ऐप के फीचर क्या है? सेफ्टी पिन जो है एक तरह का ऐप है, मोबाइल ऐप है, जो इंश्योर करता है कि जो असुरक्षा के जो इलाके हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करने का एक ऐप है। उसमें फीचर्स ये हैं कि अगर हमें देखना है कि अगर रोशनी नहीं है, रोशनी है तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे रोशनी नहीं है, पिलर है, तो हम उसको डेटा में डाल सकते हैं कि इसमें बल्ब काम नहीं कर रहा है, या कम रोशनी है, या अच्छी रोशनी है, या ख़राब रोशनी है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेफ्टी पिन में एक ऐप और है कि अगर जैसे देखिए यहाँ पर फुटपाथ नहीं है इस जगह पर, तो अगर हम लोग चलेंगे तो हम अभी भी यहाँ पे बीच सड़क में ही चले रहे हैं, तो अनसेफ इसलिए भी हो जाता है कि लड़कियाँ अमूमन अगर फुटपाथ होता है तो चलने की जगह निश्चित की जाती है। अगर फुटपाथ नहीं है तो बीच सड़क में अगर चलेंगे तो मोटरसाइकिल में चलने वाला या गाड़ी में चलने वाला कोई भी एक अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाता है, उन लड़कियों के साथ हिंसा होने की संभावना बन जाती है। तो उस ऐप के जरिए हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो सुविधाएँ हैं, वो चाहे एसेंशियल सर्विसेज को लेके हो या फिर वाओ के जो अन्य एस्पेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करें कि अगर पब्लिक टॉयलेट नहीं है महिलाओं के लिए तो उनको खुले में जाना पड़ता है, और वो बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति होती है। ऐसे में आपने सुना भी होगा कि कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ हिंसा बहुत ही गहरे स्तर पर हो गई है। तो इसी तरह के कई 8 पैरामीटर्स हैं, और उसमें एक पैरामीटर फीलिंग का है कि वो फीलिंग उस आधार पर होती है कि जिस जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है उस जगह का जो के बारे में जो ज्योग्राफिकल डिटेल दे रहा है उसको लेते हुए उसकी फीलिंग क्या है। अगर असहज है तो असहज है, अनकम्फर्टेबल है तो अनकम्फर्टेबल, अगर पियर है उसको तो वो भी है। तो ये ऐप जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, हम इससे सेफ्टी ऑडिट करते हैं। तो ये यौन उत्पीड़न विरोधी सप्ताह 8 से 14 अप्रैल तक चल रहा है, आज इन्होंने मदनपुर खादर में ये सप्ताह हुआ है, और जैसा कि इनका संदेश है, आशा करते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस जागे, लोगों के प्रति जो उनका नज़रिया उसको बदले, उनको अपनी बहन या माँ की नज़रों से देखें। मैं निशांत कुमार अपने सहयोगी अखिलेश और सोनू के साथ हुंकार 24/7 मदनपुर खादर।